सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश जो एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन कस्टम एजुकेशन। तो बच्चों जादवपुर यूनिवर्सिटी जाना है ना, तो सीएससी डिपार्टमेंट आप लोगों का टारगेट है क्या स्कोर करना चाहिए आप लोगों को, जैसे कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी कंफर्म मिल जाए। आज इस वीडियो में हम लोग आपको डिटेल तरीके से कंफर्म तरीके से बोलेंगे कि कितना स्कोर कैटेगरी वाइज आपको पाना चाहिए फॉर यू जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया मिस कर दोगे बहुत सारे अपडेट्स को WBJEE का। तो अगर पाना चाहते हो WBJEE का सारे अपडेट ठीक टाइम पे, सब्सक्राइब करके रखो। और हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग शुरू करेंगे विद जनरल कैटेगरी, सब कैटेगरी के बोलेंगे, शुरू करते हैं जनरल कैटेगरी को लेके। तो अगर हम लोग जनरल कैटेगरी को लेके देखें तो डिसेंट क्लास काउंसलिंग तक हम लोग 250 रैंक से लेके 200 रैंक अप्रोक्स सेफ मान के चल सकते हैं। और 200 रैंक के लिए आप बोल सकते हो कि आपका स्कोर कितना जरूरी है। 200 रैंक के लिए आपका सेफ स्कोर अगर मांगोगे तो मैं बोलूंगा 120 से लेके 125 एटलीस्ट आपको देखना चाहिए फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया इतना ज्यादा स्कोर क्या हम कर सकते हैं। तो मुझे आप लोग को एक कोट, एक मोटिवेशनल स्पीच बोलने का बहुत मन कर रहा है एपीजे अब्दुल कलाम सर का। एपीजे अब्दुल कलाम सर बोलते थे, सपना वो नहीं है जो नींद में, जो चैन में हम लोग देखते हैं, सपना उसी को ही बोलते हैं जो हमको नींद, जो हमारा नींद हमारा चैन ये आने नहीं देती है। मतलब अपने ड्रीम के लिए, अपने सपने के लिए, अपने टारगेट के लिए, गोल के लिए नींद छोड़ दो, चैन सुकून छोड़ दो। आपके हाथ में बचे है ओनली वन मंथ, और ये एक महीने में अगर आप ठीक से काम किए तो जरूर आपका स्कोर आएगा। कोई कौन आपको रोकने वाला है? कोई अपने सामने नहीं है रोकने वाला। आप खुद को फोर्स दो, आगे बढ़ो। और पीछे अब्दुल कलाम सर का ये कोट जरूर याद पे रखना। तो बच्चों क्या आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो जेईई मेंस के लिए? तो अभी इस टाइम पे जेईई मेंस क्रैक करना हो गया दिन ब दिन हार्ड, बिकॉज आप लोगों का कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली जेईई मेंस को क्रैक करने के लिए आपको चार चीजों के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, फोकस एंड अ गुड स्ट्रेटजी। एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए लाइक IITs, NITs पाने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजिकल पढ़ाई की बहुत जरूरत है विद योर टोटल फोकस ऑन इट। इसलिए फिजिक्स वाला आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है कुछ इंपॉर्टेंट बैचेस जो आपके लिए बहुत ही रहेगा इंपॉर्टेंट, लाइक अर्जुना जेईई 2024 बैच जिसका अभी का प्राइस है ओनली 4500, लक्ष्य जेईई 2024 बैच जो है ओनली 4500 पे आपको मिल जाएगा, और प्रयास जो डॉपर्स के लिए 2024 के उनके लिए भी मिल जाएगा ओनली 4600 पे। और अगर पढ़ाई में आपका आ रहा है डाउट तो वो डाउट सॉल्व करेगा आपका सारथी, जो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा इस प्रिपरेशन के टाइम पे। जो सारे लोग आप ज्वाइन करते हो फिजिक्स वाले के, ये सारे बैचेस को डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। और यूज करना हमारा कूपन कोड जो है AKA150, ये कूपन कोड आप लोग जरूर यूज करना है एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा आपके कोर्स प्राइस के ऊपर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, आपके ड्रीम IIT NIT प्रिपरेशन के लिए जाइए ज्वाइन कीजिए फिजिक्स वाले को आज ही। तो आउटसाइड स्टेट के बच्चों आपके लिए अंडर 50 रैंक होना, अंडर 50 भी नहीं बोलूंगा, अंडर 40 रहना बहुत सेफ है, अंडर 40 रैंक होना। तो मैं आपको बोलूंगा 140 प्लस आपको ऑब्वियसली लाना चाहिए अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीएससी पढ़ना चाहते हो। अब ओबीसी ए और ओबीसी बी में हम लोग आते हैं, अब ओबीसी ए बी में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज कौन माइनॉरिटी, एक माइनॉरिटी के लिए और एक हिंदू के लिए है, थोड़ा उसमें अगर इंटरचेंज हो जाए आप लोग देख लेना। ओबीसी ए बेसिकली जो माइनॉरिटीज के लिए है, मैं जानता हूँ 1000 रैंक तक मैं बोल सकता हूँ कि आपको हो सकते हैं डिसेंट क्लास काउंसलिंग तक चांसेस है। अप्रोक्सीमेटली 90 to 95 मैं नहीं बोलूंगा, 90 to 95 आप लोग टारगेट करके चलो, ये आपको लाना ही लाना है, ठीक है। और ओबीसी बी जो हिंदू भाई बहन के लिए है, वो बेसिकली 500 रैंक तक आप लोग अंडर 500 450 ऐसा कुछ देख के चलो, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि 110 आप लोग एक बार टारगेट करके चलो, ठीक है। अच्छा एससी के लिए मैं बोलूंगा, अच्छा आगे पीछे इसका रैंक थोड़ा हो सकता है, बट मैं आपको बोलूंगा फॉर एससी कैटेगरी आप लोग 3000 रैंक तक आप लोग थोड़ा देख के चलो, ठीक है। 3000 नहीं बोलो 2500 टू 3000 रैंक तक देख के चलो। और इस रैंक के लिए मैं आपको बोलूंगा अप्रोक्सीमेटली आप 75 के आसपास देख के चलो, ठीक है एससी के लिए। एंड एसटी के लिए मैं बोलूंगा, एसटी कैटेगरी के भाई बहन के लिए मैं बोलूंगा, एसटी कैटेगरी के लिए मैं आपको रैंक बोलना चाहूंगा कि 6000 के अप्रोक्स, ठीक है 6000 5000 टू 6000 के अप्रोक्स देखो। और इसमें अप्रोक्सीमेटली आपका स्कोर लगभग 60 के आसपास आप लोग देखो, ठीक है। तो ये आपका रैंक, ये सेफ स्कोर मैंने बोला, आगे पीछे ऑब्वियसली होगा, मैं एक अप्रोक्सीमेट डाटा आपको शेयर कर रहा हूं, ठीक है। आई फील दैट विल हेल्प यू अ लॉट कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए इन योर WBJEE एग्जामिनेशन टू गेट जादवपुर यूनिवर्सिटी सीएससी
whatever your maybe cast maybe, ठीक है? और ये मैं मैंने ग्रुप पे डाल दूंगा, अगर देखना चाहते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लो और ये सब स्कोर थोड़ा आप लोग चेकआउट कर लो, ठीक है? ये सब स्कोर आप लोग थोड़ा चेकआउट कर लो, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई फील दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट. आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू टू ऑल.